इज योर्स मैम। गुड आफ्टरनून, नमस्कार सबको। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरी आवाज अगर आप लोग को नहीं पहुंच रही तो आप हमें बार बार रिमाइंडर दीजिएगा कि आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कंप्लीटली ऑडिबल, आपकी लाउड एंड क्लियर वॉइस आ रही है। ओके, गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर प्रवीण एंड थैंक यू आलोक फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। एंड टूडे आई एम गोइंग टू टेक आई हैव अ 40 मिनट्स टू डिलीवर दिस सेशन। फाइन। सो इन द इमर्जिंग टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ वेरी इमर्जिंग एंड वेरी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज देयर इन द मार्केट। And always there is innovations in technology, and we teachers, teacher educators, policy makers, and educationists, we are trying a level best, and time to time we are integrating all these emerging technologies or innovative technologies to enhance our teaching, learning, and assessment process. I'm sorry to disturb you, मैम। पार्टिसिपेंट्स की रिक्वेस्ट है कि हिंदी में प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बात कर लूंगी। तो आजकल हमारी जो एजुकेशन या शिक्षण जो सिस्टम है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नई नई टेक्नोलॉजी हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना इनोवेट हो रहे हैं और इंटीग्रेट हो रहे हैं। पर ये जो टेक्नोलॉजी जो हम बात करते हैं, इमर्सिव टेक्नोलॉजी, ये हमारे टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में किस तरह से सहयोग और योगदान देने वाले हैं, तो इस टॉपिक के बारे में आज मैं क्या क्या आप लोग को बताऊंगी। उस सेशन का आउटलाइन ये है कि हालांकि टेक्नोलॉजी हमेशा रोज और हर सप्ताह नए नए आते जा रहे हैं, तो उस टेक्नोलॉजी का टेक्निकलिटी, उसकी यूसेज, उसकी पर्पज, और कैसे हम उसको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, उससे पहले हमें वो टेक्नोलॉजी की बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है कि वो टेक्नोलॉजी के फीचर्स क्या हैं, फंक्शन क्या है, और क्या चीज हमें जानना चाहिए ताकि हम इसको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज सेशन का आउटलाइन यही है कि एक छोटी सी इंट्रोडक्शन होगी, ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होगा एक टेक्नोलॉजी का और ये वर्चुअलिटी का कंसेप्ट को लेके, जो उसके साथ ही वो है स्पेक्ट्रम ऑफ रियलिटी और वर्चुअलिटी कंटिन्यूम। उसके बाद हम इमर्सिव टेक्नोलॉजीज को समझेंगे, उसके बाद इस इमर्सिव टेक्नोलॉजी में क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है जो रियलिटी को डिफाइन करता है, रियलिटी को समझने में मदद करता है, और इसी इमर्सिव टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो ऑगमेंटेड रियलिटी जिसको कहते हैं AR, वर्चुअल रियलिटी जिसको कहते हैं VR, मिक्स रियलिटी MR, 360 डिग्री सिमुलेशन और फिर वर्चुअल लैब। ये सारे टेक्नोलॉजी कैसे हमारे टीचिंग के अलावा असेसमेंट में हेल्प करता है, या कैसे हमारे असेसमेंट प्रोसेस को ये फैसिलिटेट करके हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहांस कर सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में चैलेंजेस और कंसिडरेशन, ये टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए या अप्लाई करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या कंसिडरेशन है, उसके बारे में अंत में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड सेशन शॉर्ट ब्रेक के बाद है, उस चीज को मैं अलग से आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगी। तो पहला इस पिक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं, प्लीज आप लोग इसको पढ़िए, थोड़ा समझ में आएगा। सो नॉट ऑल लर्निंग टूल्स आर इक्वली इफेक्टिव। सो सारे टूल जो है इक्वली इफेक्टिव नहीं होता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों बात करते हो, हर बार नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और हम उसको अपने एजुकेशन जो टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट प्रोसेस में इंटीग्रेट करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, या फिर नई नई टेक्नोलॉजी से हम ओरिएंट होते रहते हैं। इसीलिए क्योंकि सारे जो लर्निंग टूल्स है, जितने भी टेक्नोलॉजी टूल्स है, वो इक्वली इफेक्टिव नहीं है। सबकी अपनी अपनी फीचर्स है, अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, सबकी अपनी पोटेंशियलिटी है, उसकी बेसिस पर इफेक्टिव होती है। तो सम टूल्स आर बेटर देन अदर्स। तो ये पिक्चर्स में मैं आपको ये समझाने की कोशिश की हूँ, बाकी सेशंस में आप लोग समझे होंगे कि टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं।
फिर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, वीडियो का इफेक्टिवनेस क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं एक लायन का पिक्चर है, द लायन इज लाइक अ किंग कमांडिंग रेस्पेक्ट विद इट्स पावरफुल रोल। तो ये टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट को हम इमेज में आप समझ सकते हैं, इस टेक्स्ट को सेम हम इमेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेम चीज यहाँ पर वीडियो है, जो वीडियो फॉर्म में हम ये इसी टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे और इमेज को भी। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे रियल एंगेजमेंट, जहाँ पे लायन से डायरेक्ट जो है ह्यूमन का एंगेजमेंट हो रहा है। तो ये पिक्चर को आप याद रखिए, आगे हम इसको समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि तो हम और आप डायरेक्ट लायन के पास नहीं जा सकते हैं, और अगर जाएंगे भी तो डर रहता है और हम लायन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसा है जो हमें ये इंटरेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा। ये कैसे देगा इसको पहले समझते हैं। ये कंसेप्ट है इंट्रोडक्शन अबाउट योर टेक्नोलॉजी और दिस वर्चुअलिटी का कंसेप्ट है। तो आप लोग ने देखा होगा भी कि बहुत सारी जो चीजें ऐसी होती है कि हम उस एक पैरेलल वर्ल्ड में और एक पैरेलल दुनिया, जहाँ जैसे हम अभी रह रहे हैं वैसे एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है जिसमें हम एंटर कर लेते हैं। तो कैसे हम उस वर्ल्ड में एंटर करते हैं, तो यहाँ तीन ब्लॉक दिया हुआ है, आप इसको समझिए। एक है पर्सन, देन एक्शन एंड परसेप्शन, देन इंटरफेस, देन वर्चुअल वर्ल्ड। ये तीन चीजें हैं, और ये तीन चीजों को मिलाने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हम एक इमर्सिव वर्ल्ड में और एक नई दुनिया में और एक वर्चुअल वर्ल्ड में, जो बहुत ही क्लोज टू रियल है, एकदम से आपको लगेगा कि ये रियल है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, तो पहले पर्सन का जो है कि परसेप्शन, हाउ वी आर परसिविंग द इन्वायरमेंट, हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं, उसके बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं। तो उस एक्शन को देखेंगे, यहाँ पर एक इंटरफेस है, इंटरफेस जो आपको, ये इंटरफेस से आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करेंगे, और ये वर्ल्ड होगा जो सिमुलेटेड रहेगा, और इस सिमुलेटेड वर्ल्ड में आप इंटरैक्ट कर सकते हैं जैसे रियल वर्ल्ड में इंटरैक्ट करते हैं। इस चीज को और बारीकी से समझेंगे आगे की स्लाइड में। जैसे यहाँ पर है स्पेक्ट्रम ऑफ रियलिटी और वर्चुअलिटी। एक रियल वर्ल्ड है, उस रियल वर्ल्ड को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग रियलिटी में। तो रियल वर्ल्ड को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, हर दिन हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, किसी को टच करते हैं, किसी को स्मेल करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं उसको हम महसूस करते हैं, और वो महसूस हमें एहसास दिलाता है कि हम रियल वर्ल्ड में हैं। जैसे हमारे जो हम देखते हैं, तो हम देख सकते हैं, रंग देख सकते हैं, शेप देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, कितना दूर है, कितना पास है, कैसा दिखता है, ये सारी चीज हम आंखों से देख के एक्सपीरियंस करते हैं। उसी तरह हमारे जो कान है, हमारे जो टच, जो जिसको हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, जिसको टेस्ट करते हैं, और हम रियलाइज करते हैं कि हाँ हम रियल वर्ल्ड में हैं। पर ये रियल वर्ल्ड को हम नेक्स्ट लेवल पे एक्सटेंड कर रहे हैं, जो जिसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, जिसको कहते हैं मिक्स रियलिटी, और एक वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। ये चारों टर्म्स को हम आगे और डिटेल में समझेंगे। ये चारों चीजों को मिला के हम कहते हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजी, और ये इमर्सिव टेक्नोलॉजी जो कि अभी नया टर्म यूज हो रहा है, एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी कुछ नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये एक्सटेंडेड रियलिटी। तो ये सारे चीजों को मिला के हम एक्सटेंडेड रियलिटी कहते हैं, और ये चारों और पांचों जितनी भी नए नए टेक्नोलॉजी सभी इमर्ज होते जा रहे हैं, ओवरऑल इन सारों को हम कहते हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजी। तो पहले देखिए एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है। ये एक अम्ब्रेला टर्म दैट एनकम्पासेस ऑल इमर्सिव टेक्नोलॉजी दैट ब्लेंड्स फिजिकल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। तो आने वाले समय में हो सकता है 1 महीने के बाद में और एक नया टेक्नोलॉजी आ जाए, उसके बाद में और एक टेक्नोलॉजी आ जाए। तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज आएंगे जो हमें एक वर्चुअल वर्ल्ड में टूर करा सकता है, या वर्चुअल वर्ल्ड में लेके जा सकता है, या इमर्स कर सकता है, तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज आएंगे उसको हम ओवरऑल कहते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी।
उसकी इसी एक्सटेंडेड रियलिटी का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। पहला पार्ट है वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है इसके बारे में डिटेल में मैं आपको और आगे बताऊंगी। उसी तरह ऑगमेंटेड रियलिटी है, उसी तरह मिक्स रियलिटी है, और एक 360 डिग्री वीडियो एंड सिमुलेशन। ओवरऑल सारी चीजों को मिला के हम कहते हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजी या फिर एक्सटेंडेड रियलिटी। तो इनको समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझना जरूरी है जिसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी। ऐसा क्या चीज है जो हमें महसूस कराता है कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए हैं? ऐसे क्या महसूस कराता है कि हम अभी एक जो जिस प्रेजेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, वैसा ही आपके पास एक पैरेलल वर्ल्ड है जो आपके रियल वर्ल्ड के जैसा ही दिखता है, और जैसे आप यहाँ पर सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिस तरह से इंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, तो आपको देखने के बाद में कैसे आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे उसको रिप्लाई कर रहे हैं, आप किसी चीज के बारे में जैसे सोच रहे हैं, सेम एग्जैक्टली वैसा ही आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी सोच सकते हैं। तो रियलिटी यहाँ समझने वाली चीजें हैं कि रियल क्या है, अनरियल क्या है, क्या चीज रियल बनाता है और क्या चीज रियल नहीं बनाता है, कैसे हम महसूस करते हैं कि सच में ये रियल है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर बताया जाता है कि रियलिटी का एलिमेंट्स क्या है। पहला कि एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, चाहे वो रियल इन्वायरमेंट हो चाहे वर्चुअल इन्वायरमेंट हो, एक वातावरण होना चाहिए जहां पर बहुत सारी चीजें होंगी जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको छू सकते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट होना है। अगर ये वातावरण नहीं होगा तो हम ये सारे सेंस ऑर्गन्स को यूज नहीं कर पाएंगे। इस वातावरण में और एक इम्पॉर्टेंट चीज है वर्चुअल प्रेजेंस। जैसे अभी हम रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, आप वर्चुअल वर्ल्ड में वैसा ही प्रेजेंट हो जाएंगे कि आप वहाँ एग्जैक्टली जैसे यहाँ प्रेजेंट है, उस वर्चुअल वर्ल्ड में भी आप प्रेजेंट रहेंगे। तो जैसे जैसे हम चीजों को देखते हैं, जैसे जैसे चीजों को देखने के बाद हम रेस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे से, या कोई भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं जिसको हम रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, सेम एग्जैक्टली हम वर्चुअल वर्ल्ड में भी हमारे सेंसर रिएक्ट करेंगे, उसके बाद फीडबैक भी देंगे, उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। उसके अलावा एक है इंटरैक्टिविटी, में किस तरह से हम इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से चीजों के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, मतलब कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम उसको अपने डेली जो अपने रूटीन जैसे वर्क होता है, कैसे उसको हम अडॉप्ट हो जाते हैं, या किस तरह से उसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, ये एलिमेंट जो है इंटरेक्टिविटी का है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है पर्सपेक्टिव, हमारी सोच, हम कैसे उसको लेते हैं, कैसे उसको समझते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी बारिश हो रही है, अगर बाहर मान लीजिए बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश को हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं, तेज बारिश हो रही है, घनघोर बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो ये पर्सपेक्टिव है। जिस तरह से हम रियल वर्ल्ड में ये पर्सपेक्टिव देखते हैं, वैसा ही हम वर्चुअल वर्ल्ड में भी देखते हैं। ये सारे एलिमेंट जो है, आप यहाँ जितने भी जो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी और 360 डिग्री वीडियो एंड सिमुलेशन देखते हैं, ये सारी चीजें आपको एहसास दिलाएंगे कि आप सचमुच में रियल वर्ल्ड में हैं। वो टेक्नोलॉजी सच में आपको एहसास दिलाएगा कि आप रियल वर्ल्ड में हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी को एक्सप्लेन कर दिया है, वर्चुअल इन्वायरमेंट है, वर्चुअल प्रेजेंस है, सेंसरी फीडबैक है, इंटरैक्टिविटी है। मैं थोड़ा थोड़ा इनको बता सकती हूँ। जैसे यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन द सिमुलेशन एंड द रूल्स एज वेल एज द रिलेशनशिप दैट गवर्न दिस सब्जेक्ट, जैसे बारिश का एग्जाम्पल मैंने दिया, उसी तरह डिटरमाइंड बाई इट्स कंटेंट, ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका शेप है, उसका साइज है, उसका कलर है, उसका वेट है, ये एक ऑब्जेक्ट का कैरेक्टर जो है, उसकी जो फीचर्स है, उसके फंक्शन है, ये सारी चीज ऑब्जेक्ट जो होता है वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में होता है, जैसे हमारी रियल वर्ल्ड में होता है। उसके बाद में हम उसको कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, और कैसे उसको हम महसूस करते हैं,
दैट इज डिस्प्ले थ्रू वेरियस मोडालिटी, विजुअल मतलब देखना, सुनना और टच करना या स्पर्श करना, परसीव थ्रू आवर विजन, हियरिंग एंड टच. लाइक वाइज यू नो दैट रियल ऑब्जेक्ट, अगर आपके अभी हाथ में अगर पानी का बॉटल है, तो वो बॉटल कैसा दिखता है, कौन सा कलर में है, कितने वेट में है, कौन सा टेक्सचर है, कौन सी मटेरियल है, उसकी डेंसिटी क्या है, वो ठंडा है या गर्म है, ये जो रियलिटी में फील करते हैं सेम चीज हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में एग्जैक्टली ऐसा ही फील करते हैं. उसके बाद आप देखेंगे इसको जब बनाते समय हम लोग जैसे अभी रियल वर्ल्ड में है, हमारे नीचे धरती है या जमीन है, वो तो जमीन की टोपोलॉजी कैसी है, वो सरफेस कैसा है, वो एरिया कैसा है, वो उसका फीचर्स मीन्स आप देखेंगे कि वो आप घर में ही है तो आपको पता चलेगा आपके जो फ्लोर जो है, फ्लोर का टेक्सचर कैसा है, आपके रूम के शेप कैसे हैं, एरिया कैसे हैं, ये इन्वायरमेंट टोपोलॉजी में आ गया. देन ऑब्जेक्ट जो कि थ्री डायमेंशनल फॉर्म होता है, जैसे आप अभी रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि आप चारों ओर आप देख सकते हैं, पीछे घूम सकते हैं, आगे देख सकते हैं, दाएं बाएं सब तरफ आप देख सकते हैं, तो ये थ्री डायमेंशनल फॉर्म में है. यही थ्री डायमेंशनल फॉर्म ऑफ वर्चुअल रियालिटी या फिर एक वर्चुअलिटी में यूज करते हैं. देन यहाँ पर है कि आप कैसे वो सारे ऑब्जेक्ट के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, कैसे आप जैसे रियल वर्ल्ड में बॉटल को या पानी की बॉटल है या किताब को आप हाथ लगा रहे हैं, उसको छू पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, ये चीज आप एक रियल वर्चुअल रियलिटी में आप कैसे उस चीज को महसूस करेंगे, ये भी चीज जो है ध्यान दिया जाता है इसमें. देन यूजर इंटरफेस कैसे कंट्रोल करेंगे, अगर आपको जैसे रियल वर्ल्ड में आप दाएं मुड़ सकते हैं, बाएं मुड़ सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, आपको पूरा पीछे घूमना है या सामने आगे जाना है, तो एक एक ऑब्जेक्ट के साथ आप कैसे रिएक्ट इंटरैक्ट करेंगे, ये सारी चीजें जो है आपका एक इन्वायरमेंट जो है वर्चुअल इन्वायरमेंट में होता है. अब प्रेजेंस है, प्रेजेंस और एब्सेंस, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड में जो है हमारे रियल वर्ल्ड में हम मेंटली प्रेजेंट रहते हैं कभी कभी, या मेंटली एब्सेंस रहते हैं, फिजिकली तो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं हम, पर कभी कभी हम मेंटली एब्सेंस रहते हैं, और उस एब्सेंस में कहीं ना कहीं हम वर्चुअल वर्ल्ड या फिर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में या आप अपने सपनों की दुनिया में रहते हैं, तो सपनों की दुनिया में आपकी प्रेजेंस है. तो सेम यहाँ पर भी वर्चुअल प्रेजेंस वही है कि आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में आप प्रेजेंट हो जाते हैं. तो कैसे प्रेजेंट होते हैं, आपको कैसे लगेगा कि आप उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में जब प्रेजेंट हो गए तो आपको लगेगा फीलिंग ऑफ एक्चुअली बींग एन इन्वायरमेंट, आप उस इन्वायरमेंट के हिस्सा हो जाओगे, आपको लगेगा कि वाकई में उस वर्ल्ड में आप आ गए. तो दैट इज कम्प्लीटली अ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ वाया फिजिकल मीडियम. उसके बाद में फिजिकल वर्चुअल प्रेजेंस, आप वर्चुअली प्रेजेंट है, आपकी बॉडी रियल वर्ल्ड में ही है, पर आपके जो सेंस ऑर्गेन्स है ये सारे ऑर्गेन्स आपको उस वर्चुअल वर्ल्ड में फील कराएंगे. वो कैसे होता है, ये होता है सिंथेटिक स्टिमुलाई. पॉइंट वन पहले पढ़ लेते हैं. प्रेजेंटिंग द वर्चुअल वर्ल्ड टू यूजर टू द सिंथेसिस ऑफ स्टिमुलाई टू वन और मोर सेंस इन रेस्पॉन्स टू यूजर पोजिशन एंड एक्शन. देन सिंथेटिक स्टिमुलाई, जो सिंथेटिक जो है ये कृत्रिम जो स्टिमुलाई होती है, जो एक अभी हमारे रियल वर्ल्ड में जिस तरह से स्टिमुलस है, लाइट है, साउंड है, शेप है, साइज है, ये सारे सिंथेटिक आर्टिफिशियल एक कृत्रिम फॉर्म में उस स्टिमुलाई को बनाया जाता है, जो आपका वर्चुअल वर्ल्ड में आपको एहसास दिलाएगा, आपको महसूस कराएगा कि वाकई में आप एक रियल वर्ल्ड में आ गए हो. तो नेक्स्ट इज यूजर मोड. तो जिस तरीके से आप जो साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं कि कम सुनना है, ज्यादा सुनना है, आपको किसी चीज को पास में लाके देखना है, दूर से देखना है, या फिर आप दूर से किसी चीज को जूम करके देखना चाहते हैं, तो कुछ सीन को मूव करना चाहते हैं अपने आगे पीछे या दाएं बाएं, ये सारी चीजें आप वर्चुअल प्रेजेंस में कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मेंटल प्रेजेंस, दैट डिपेंड्स अपॉन द गोल एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी, मीन्स डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, जितनी डिग्री इंटेंसिटी होगी उतनी ही आपकी मेंटल प्रेजेंस एहसास होगा आपको. तो नेक्स्ट इज रियलिस्टिक डिस्प्ले इंक्लूड साइट साउंड एंड टच अफेक्ट द लेवल ऑफ मेंटल वर्चुअल प्रेजेंस. तो आप अभी सोच रही होंगी मैं और आप यहाँ पर हैं, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, काफी हद तक आपको मेरी आवाज जो है
सुनाई देने के साथ साथ आप महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग या मैं इसको अपने लेवल से इसको रिलेट कर पा रहा हूं, तो आप यहाँ पर पार्शियली और नॉट फुली पार्शियली आप ये सेशन में प्रेजेंस है, मेंटली आप प्रेजेंस है पर फुल्ली आप प्रेजेंस नहीं है। पर ये वर्चुअल रियलिटी और ये इमर्सिव टेक्नोलॉजी है जो आपको फुल्ली इमर्स कर देगा, जो कि आप यहाँ पर पार्शियली इमर्स है। सिर्फ आप सुन के, मेरी बातों को सुन के, और आपके कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके जो फेलो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको देख के आप पार्शियली इस सेशन में प्रेजेंट है मेंटली। पर वर्चुअल रियलिटी या इमर्सिव टेक्नोलॉजी, एक्सटेंडेड रियलिटी वो टेक्नोलॉजी है जो आप पूरी तरीके से मेंटली वहां प्रेजेंट हो पाएंगे। फिर सेंसरी फीडबैक मतलब आप जो भी चीज को सेंस कर पा रहे हैं, आप उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ये भी जिस तरह से हम रियल वर्ल्ड में करते हैं आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इमर्सिव टेक्नोलॉजीज। एंड दीज इमर्सिव टेक्नोलॉजी एक्चुअली मेकिंग अस यू नो फील लाइक अ रियल। तो इसमें ये रियलिटी सिस्टम प्रोवाइड डायरेक्ट सेंसरी फीडबैक टू यूजर्स अकॉर्डिंग टू दियर फिजिकल लोकेशन, एंड मोस्ट फीडबैक इज प्रोवाइडेड विद विजुअल इंफॉर्मेशन एंड हेपेटिक इंफॉर्मेशन, जो देख सकते हैं, और हेपेटिक मतलब हम जिसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। आप स्पर्श करके और देख के आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। देन ऑटोमेटिकली मेजर द पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रियल एनवायरमेंट। जिस तरह से आपके हाथ में अगर पानी की बोतल है या किताब है या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके टेबल पर भी है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को चारों ओर घुमा के देख सकते हैं, अपने पास ला के देख सकते हैं, दूर ला के देख सकते हैं। तो आपकी जो सेंसिंग, जो आई जो है, आई कितना आपके आंख देख सकता है, उसके बेसिस पे आप उसको पास कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं और देख रहे हैं। एग्जैक्टली सेम ये चीज आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में भी कर सकते हैं। ये इंटरेक्टिविटी एंड पर्सपेक्टिव, दैट इंटरेक्टिविटी द एबिलिटी ऑफ द यूजर टू अफेक्ट कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट वन फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। तो अभी देखिए हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शन एक ही फॉर्म हो रही है कि आप मुझे सुन सकते हैं और आप मुझे वर्चुअली देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक टेक्सुअल कम्युनिकेशन है और कुछ भी हमारे पास इंटरेक्टिविटी के माध्यम नहीं है। पर ये वर्चुअल वर्ल्ड में आप जितने आपके जो सेंसर्स हैं देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं, दूर ला सकते हैं, अपने हिसाब से आप उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप वर्चुअल वर्ल्ड में कर सकते हैं। सो दैट इज इंटरेक्टिविटी। इवन वाइल वर्किंग विद द सेम एनवायरनमेंट, इट इज नेसेसरी टू फॉलो एक्टिविटीज लाइक पोज, गेस्चर, एक्शन, गेज, डायरेक्शन एंड स्पीड। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा चलना है तो आप चल सकते हैं, डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, ये वर्चुअल वर्ल्ड में पॉसिबल है। अभी हम और आप जो वर्ल्ड में है वो पार्शियली वर्चुअल है, फुली वर्चुअल नहीं है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं पर्सपेक्टिव। कैन यू यूज सेवरल ऑप्शन टू चेंज अ यूजर परसेप्शन ऑफ वर्चुअल एनवायरमेंट। यूजर परसेप्शन मतलब आप अपनी सोच को, जो हम किसी भी चीजों को देखते हैं, सोच हम बदल सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड में कर सकते हैं, वैसा भी आप वर्चुअल एनवायरमेंट में कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व व्यू थ्रू अवतार आईज, व्यू फ्रॉम इमीडिएट विसिनिटी एंड द रिलेवेंट एक्टिविटी, व्यू इन्वॉल्विंग लुकिंग फ्रॉम एंटायरली डिपेंडेंट लोकेशन। जैसे अभी अगर आपको नायग्रा फॉल देखना है या फिर ताजमहल देखना है, तो ताजमहल या नायग्रा फॉल अगर हम देखना चाहते हैं तो वो एक हमारे पास 2D इमेज होगा या फिर हम वीडियो में उसको देख सकते हैं। पर आप एक ताजमहल के हर एक कोने में घूमना चाहते हैं और हर एक पार्ट को देखना चाहते हैं, तो जो वीडियो में और आपके पास इमेज है या 2D इमेज है वो पॉसिबल नहीं है। पर ये इमर्सिव टेक्नोलॉजी आपको ताजमहल में पूरा इमर्स कर देगा, आपको पूरे ताजमहल में ही लेके चला जाएगा और आपको एहसास होगा कि मैं ताजमहल खुद अपनी आंखों से वहां प्रेजेंट होके मैं देख रहा हूँ, और कौन कौन से हिस्से में आपको जाना है, कौन सा चीज देखना है, ये सारी चीज आप कर सकते हैं। ये इमर्सिव टेक्नोलॉजी और वर्चुअल एनवायरनमेंट में पॉसिबल है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सारे कैसे पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या फीचर्स होगा या ऐसे कैसे हो सकता है कि हम फिजिकली प्रेजेंट है और हम वर्चुअली
उस वर्ल्ड में चले जाएंगे और हमें रियलिटी का एहसास होगा। तो हम साइकोलॉजी में ये चीज देखते हैं कि ह्यूमन कैसे हाउ ह्यूमन लर्न। तो हमारी जो तीन डोमेन है जिसको हम कहते हैं साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और आपका अफेक्टिव डोमेन, ये तीन जो डोमेन है इस डोमेन के साथ हमारी जो बॉडी के जो सिस्टम्स है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, ये सारी चीजें कैसे इनमें इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये समझने की जरूरत है। क्योंकि ये परसेप्शन है, हमें ये इन्वायरमेंट को हम कैसे परसीव करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को हम कैसे समझते हैं, कैसे इसको रिलेट करते हैं और कैसे हम इसको एडप्ट करते हैं, कैसे अपनाते हैं। तो यहाँ परसेप्शन वही है, अलाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट टू बी ऑब्टेन्ड। उसके बाद हमारी मोटर स्किल, जो मोटर स्किल में हम अपने जो मोटर पार्ट्स हुए, हाथ हो गए, पैर हो गए, हम आई का मूवमेंट हो गया, या हमारी जो गले की मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पोजीशन को और हमारे जो मूवमेंट को चेंज करती है और ये हमारे परसेप्शन को, अंडरस्टैंडिंग को, लर्निंग को बेटर बनाती है। तो दिस अलाउज मूवमेंट थ्रू द एनवायरमेंट, मैनिपुलेशन थ्रू टच एंड पोजिशनिंग ऑफ सेंसरी ऑर्गन फॉर बेटर परसेप्शन। जितना अच्छा परसेप्शन होगा उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी, उसी के अनुसार हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग होगी। अगली चीज है जैसे कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है, हमारे जो जो बौद्धिक क्षमता है वो कैसे इसमें काम करती है। आप सोचते होंगे कि रियल वर्ल्ड में ये चीजें हो रही है, तब में वर्चुअल वर्ल्ड में वो चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे हमारे लर्निंग को सपोर्ट करेगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि नहीं, जो वीडियो देख के जो सीखते हैं वो ज्यादा अच्छा है, कभी कभी सोचते हैं नहीं, रियल वर्ल्ड में जो देखते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को देखते हैं, इन्वायरमेंट को देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छा समझ बनाते हैं। बिल्कुल, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमारे जो इन्वायरमेंट को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ये हमारे लर्निंग है, हमारे परसेप्शन है, हमारे अंडरस्टैंडिंग है, उसको और बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ कॉग्निटिव एबिलिटीज है जो दैट अलाउज द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड एक्शन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द करेंट टास्क गोल। तो जो भी हमारी जो प्रेजेंट जो टास्क होते हैं, जो भी काम करना है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इश्यूज हैं, जो भी एबिलिटी है, उसको एनहांस करने के लिए हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी और बौद्धिक क्षमता कैसे इन्वॉल्व होती है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वर्चुअलिटी, या फिर कह सकते हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजी, या फिर कह सकते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी। तो इसके साथ हम देखेंगे, ये तो बहुत फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद हम ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या क्या है, कैसे दिखता है ये टेक्नोलॉजी। मोबाइल में अगर आजकल आप देखते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो क्यूआर कोड को स्कैन करने के साथ ही आपको पूरा एक लिंक आता है और आप उसमें सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। तो दैट इज वन टाइप ऑफ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, एंड दिस क्यूआर कोड इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी और एआर। और एआर को समझने का और एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम रोज अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो शीशे में एग्जैक्टली हमारी इमेज, हमारे जो तस्वीर है, वही इमेज मिरर में दिखाई देता है, आईना में दिखाई देता है। तो आधे हम रियल में हैं, आधे हम आईना में हैं, तो आईना में वही दिखता है जो हम रियल में हैं, पर आईना में जो दिखता है, शीशे में जो दिखता है, वो रियल नहीं है। तो एक तरह से आईना डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, मिरर एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। तो वैसा ही टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज जो है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी रियलिटी को एक्सटेंड करता है और समझ को डिस्प्ले करता है। तो हियर यू कैन सी डिस्प्ले रेफर्स टू एनी मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू ह्यूमन सेंस, एंड इट इज कॉन्टेक्स्ट टू साइट, हियरिंग, टच फ्रीक्वेंटली यूज टू ट्रांसमिट सिंथेटिक स्टिमुलाई इन वर्चुअल रियालिटी। अगला पॉइंट है द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्चुअल रियलिटी बेस्ड ऑन यूजर परसेप्शन एंड वर्चुअल वर्ल्ड। यूजर परसेप्शन मतलब एक एक इंसान किस तरीके से उस एनवायरमेंट को परसीव करता है, कितना समझ सकता है। तो सबकी समझ अलग अलग होती है, कोई कहता है ये बहुत अच्छा है, कोई कहता है ये अच्छा नहीं है, कोई कहता है ठीक है। तो ये जो परसेप्शन है, ये यूजर्स टू यूजर्स वैरी करता है वर्चुअल वर्ल्ड को। तो ये परसेप्शन जो है कितना अच्छा हो सकता है, ये आगे हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिटेल में समझेंगे।
दूसरा है फिजिकल परसेप्शन ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन द कंप्यूटर डिस्प्ले. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो कैमरा आप फीचर्स देखते हैं कि ये इस मोबाइल का कैमरा फीचर्स कितना अच्छा है. जितना अच्छा डिस्प्ले होगा उतना आप उसका कॉस्ट भी देखेंगे और आप प्रिफर करेंगे और वही मोबाइल को लेने के लिए. तो वो कैमरा का जो फीचर्स एक्चुअली डिस्प्ले है, जितना अच्छा डिस्प्ले होगा उतना अच्छा आपका पिक्चर्स आएंगे, इमेजेस आएंगे और आपका एक अंडरस्टैंडिंग, एक परसेप्शन बनेगा कि ये मोबाइल वाकई में बहुत अच्छा है, ये फोटो बहुत अच्छा खींचता है. तो ये वाकई में है क्या, ये कंप्यूटर डिस्प्ले है. तो हाउ वी आर परसीविंग दैट कंप्यूटर डिस्प्ले, ये हमारी फिजिकल परसेप्शन ही है. उसके बाद में देखते हैं वर्चुअल रियलिटी सिस्टम ट्रिक्स द सेंस ऑफ डिस्प्लेइंग कंप्यूटर जनरेटेड स्टिमुलाई एंड रिप्लेस स्टिमुलाई फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. अक्सर हम क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं, हमारे आसपास बहुत अच्छे इन्वायरमेंट होते हैं, हम इन्वायरमेंट को अपनी आंखों के देखने के बजाय हम मोबाइल में कैमरा लेके उसको कैप्चर करना बेहतर समझते हैं. तो इट्स लाइक ये ऐसी हो गई जैसे हम रियल वर्ल्ड को, रियल जो स्टिमुलाई है उस स्टिमुलाई के बजाय हम एक कंप्यूटर जनरेटेड जो स्टिमुलाई जो बन रही है, जो हम मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं कैमरा से, उस पे हम चले जाते हैं और हम देखते हैं मोबाइल में ये कैमरा में कितनी अच्छी ये पिक्चर्स आ रहे हैं, रियल में कैसा देख रहा है और आपका कैमरा में कैसा देख रहा है. तो ये बस छोटे से एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम एक रियल स्टिमुलाई से एक कंप्यूटर जो डिस्प्ले जो कंप्यूटर जो जेनरेटिव स्टिमुलाई में हम शिफ्ट हो जाते हैं. तो ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में है. ये सारी चीजें हमको एक छोटी सी समझ दी होगी कि आगे जो हम समझने जा रहे हैं वर्चुअल रियलिटी के बारे में, ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में, या एक्सटेंडेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी, ये सारी चीजें जो है यही सारी जो कंसेप्ट जो मैं अभी आपको बताई उसको फॉलो करते हैं. तो उसमें सॉरी, उसमें आई एम पह सॉरी, हम हाँ थोड़ा सा लाउड बोलने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, सुन नहीं पा रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, थोड़ा सा. अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक. तो चलिए सबसे पहला टेक्नोलॉजी देखते हैं, एक्सटेंडेड रियलिटी और इमर्सिव टेक्नोलॉजी को, जिसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी. ऑगमेंटेड रियलिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी जैसे बताया, क्यूआर कोड को जब हम मोबाइल से स्कैन करते हैं, हम स्कैन करने के बाद में आपके पास वो एक डिटेल आ जाती है कि उसमें क्या है उस कोड के भीतर, एक एग्जाम्पल है. तो एक्चुअल में एआर जो है, या सुपर इम्पोजिशन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग्स एंड इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी. आलोक, आम आई ऑडिबल नाउ, मेरी आवाज अभी ठीक है? यस मैम, ओके थैंक यू. तो दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी जो एआर, आजकल आप सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं, चाहे कॉमर्स, ई कॉमर्स जो वेबसाइट आप यूज करते हैं, चाहे अभी कहीं भी चले जाते हैं तो आपको कहते हैं आप इसको स्कैन करके देख लीजिए. तो स्कैन एक्चुअली हम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं एक तरह का ऑगमेंटेड या एआर रियलिटी ही है. तो ऑगमेंटेड रियलिटी जो डिवाइस क्या क्या है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, आर द मोस्ट कॉमन एआर डिवाइस. उसके अलावा एआर ग्लासेस हैं और एआर हेडसेट्स भी हैं. तो काफी लोग ग्लासेस भी और हेडसेट भी यूज करते हैं. और एग्जाम्पल है ऑगमेंटेड रियलिटी का, जो एनसीआरटी की अपनी एक ही पाठशाला एआर ऐप है. फिलहाल ये मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं. इसके अलावा देखेंगे स्काई व्यू है, एआर लूपा है, जो एजुकेशन में यूज करते हैं. इसके अलावा बहुत सारी टूल है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में और आप इसको यूज कर सकते हैं. तो ये एआर जो ऐप है ये कैसे हमें हेल्प करता है हमारी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस में. तो ये बच्चों को, टीचर्स को और जो भी जो लर्नर्स है उनको कैसे ये हेल्प करता है. सबसे पहला इसका है शेयर द एक्सपीरियंस, हेल्प इन द कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए. कैसे शेयर करते हैं, जैसे आपने किसी शायद आप लोग ने एआर ऐप अगर यूज किया होगा तो महसूस किया होगा कि चलो एक बच्चे ने एक ऐप से कुछ कंटेंट बना लिया या कुछ चीज प्रोजेक्ट बना लिया या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद वो आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं. तो शेयरिंग क्या कर रहा है, बच्चों को दैट अलाउइंग टू कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट, सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर इन मोर एंगेजिंग वे.
नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव गेम. तो इंटरैक्टिव गेम्स कैसे होंगे? बहुत सारे प्ले जो डिजिटल गेम्स जो हैं, जो हम ई गेम्स कहते हैं या ऑनलाइन गेम्स कहते हैं, या फिर आप देखेंगे तो इंटरैक्टिव गेम्स कहते हैं. तो एआर जो है, एआर कैन बी यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव गेम्स दैट प्रमोट कोलाबरेशन एंड टीम वर्क, एंड स्टूडेंट कैन वर्क टूगेदर टू सॉल्व पजल, कम्प्लीट चैलेंजेस एंड लर्न न्यू कंसेप्ट. देन वर्चुअल टूर, जैसे भी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दी कि अगर आपको ताजमहल घूमना है या कुतुब मीनार घूमना है या कोई भी हिस्टोरिकल साइट्स या म्यूजियम जाना है, तो आप इस ऐप के थ्रू भी, ये एआर टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आप वर्चुअल टूर कर सकते हैं. जैसे एआर कैन बी यूज टू क्रिएट वर्चुअल टूर्स ऑफ म्यूजियम, हिस्टोरिकल साइट एंड अदर लोकेशन. स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर दीज लोकेशन टूगेदर एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर्स ऑब्जर्वेशन. देन एक्सेसिबिलिटी, ये बहुत पावरफुल चीज है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे जो बच्चा में किसी तरह की डिसेबिलिटी है, या अगर वो दिव्यांग बच्चा है, या फिर एक स्लो लर्नर है, या एवरेज लर्नर है, या गिफ्टेड लर्नर है, तो उनकी जो पेस ऑफ लर्निंग है वो अपने हिसाब से कितना पढ़ सकते हैं, अपने जो जो स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल है, उसके हिसाब से ये जो बच्चे अपने अपनी जो लर्निंग जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको अडाप्ट कर सकते हैं. तो दे आर कैन मेक ए आर कैन मेक लर्निंग मोर एक्सेसिबल टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज एंड अडेप्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस. ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की पाठशाला ए आर ऐप का. तो किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं, तो एग्जाम्पल एक स्क्रीन शॉट में यहाँ पर आप लोग को दिखाने के लिए डाली हूँ. हालांकि ये ऐप अभी मेंटेनेंस में है, तो बहुत जल्दी ये अवेलेबल हो जाएगा एनसीईआरटी ए आर ऐप और गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा. तब आप लोग इसको अपने क्लास में या अपने जो बच्चों को पढ़ाने के लिए ये आप यूज कर सकेंगे. नेक्स्ट आते हैं वर्चुअल रियलिटी. इमर्सिव टेक्नोलॉजी और एक्सटेंडेड रियलिटी का एक और एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी और वीआर, ये है क्या? टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करते हैं. वर्चुअल रियलिटी इज अ साइंटिफिक एंड टेक्निकल डोमेन दैट यूज कंप्यूटर साइंस. ये कंप्यूटर साइंस जो एक अपने आप में बहुत वास्ट है, जिसमें प्रोग्रामिंग की जो बात होती है, जितने भी हम पहले भी समझे हैं, सारे कंप्यूटर साइंस के थ्रू ही होगा और होता है. दूसरा है बिहेवियरल इंटरफेस. बिहेवियरल इंटरफेस मीन्स हाउ वी ह्यूमन बिहेव. तो हमारी जो बिहेवियर है इसका इंटरफेस कंप्यूटर साइंस के थ्रू एक वर्ल्ड बनाएंगे, वर्चुअल वर्ल्ड, जो हमारी रियल वर्ल्ड में हमारी जो बिहेवियर है उसको सिमुलेट करेंगे. और वो सिमुलेशन जो होगा वो बिहेवियर ऑफ 3D एंटिटीज. उसमें जितनी भी ऑब्जेक्ट होंगे इस वर्ल्ड में, जैसे अभी रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट आपके हाथ में या आसपास में है, तो वो ऑब्जेक्ट जैसे दिख रहा है जिसको आप चारों ओर घुमा के देख सकते हैं, सेम वहां पर भी आप कर सकते हैं. इसको कहते हैं बिहेवियर ऑफ 3D एंटिटीज विच इंटरैक्ट इन अ रियल टाइम. आप उसके साथ रियल टाइम की तरह इंटरैक्ट कर पाओगे विथ ईच अदर एंड विथ वन और मोर यूजर्स इन स्यूडो नेचुरल इमर्सन वाया सेंसरी मोटर चैनल. स्यूडो नेचुरल मतलब एक पार्शियल और एक शैडो नेचुरल इमर्शन जो है, वो उस इमर्शन में आप अपने सेंसरी मोटर्स जो है, जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके साथ आप सेंस कर पाएंगे. तो दिस इज वर्चुअल रियलिटी. आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ मैं इमेजेस डाली हूँ, आप इसको देख के थोड़ी बहुत समझ तो आ जाएगी कि इमर्शन क्या है. यहाँ इस पिक्चर्स में आप देखेंगे, ये जो पिक्चर्स है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं इस इमेज में. जैसे ही इस इन्वायरमेंट में आप आएंगे तो आपको लगेगा वाकई आप ये जो आप सनफ्लावर की जो देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, या खेत देख रहे हैं, या फील्ड देख रहे हैं, आपको लगेगा वाकई में आप उस फील्ड में चले गए हैं. तो दैट इज इमर्शन. तो द वी आर दिस इज इमर्सिव है. द वी आर यूज वी आर वर्चुअल रियलिटी यूज हेडसेट एंड अदर डिवाइसेस टू क्रिएट सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दैट सराउंड्स द यूजर. उसके अलावा इंटरैक्टिव है. यूजर्स कैन इंटरैक्ट विद द वर्चुअल वर्ल्ड यूजिंग कंट्रोलर, सेंसर और अदर इनपुट डिवाइसेस. देन मल्टी सेंसरी, वी आर यू कैन एंगेज मल्टीपल सेंसेस इंक्लूडिंग साइट, साउंड एंड टच.
ये हेडसेट है, हार्डवेयर है, ये हेडसेट VR हेडसेट है, ये कंट्रोलर है और ये ट्रैकिंग सिस्टम है जो VR जो वर्चुअल रियलिटी में यूज होता है। सो दिस हेडसेट्स आर द प्राइमरी डिवाइस फॉर एक्सपीरियंसिंग VR। दे टिपिकली इंक्लूड डिस्प्ले, सेंसर एंड इनपुट डिवाइस। कंट्रोलर, दैट कंट्रोलर अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट विद द वर्चुअल वर्ल्ड सच एज मूविंग ऑब्जेक्ट, सेलेक्टिंग आइटम्स एंड परफॉर्मिंग एक्शन। जैसे मैंने कहा कि आप कोई ऑब्जेक्ट को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये कंट्रोलर है, आपके हाथ में वो कंट्रोलर रहेगा जिससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, पास ला सकते हैं, घुमा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। देन ट्रैकिंग सिस्टम, तो ट्रैकिंग सिस्टम यूज सेंसर टू मॉनिटर द यूजर पोजिशन एंड ओरिएंटेशन इन द वर्चुअल एनवायरमेंट। दिस अलाउ फॉर द रियलिस्टिक एंड नेचुरल मूवमेंट। ये हेडसेट वर्चुअल रियलिटी जो है हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले होता है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, जिस तरीके से आप अपने रियल वर्ल्ड में जितने दूर तक देख सकते हैं, मैक्सिमम हम 3 किलोमीटर तक देख सकते हैं, उससे भी ज्यादा होगा। तो दैट इज द वाइल्ड व्यू ऑफ वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू, देन कंफर्ट एंड एक्सपीरियंस। अब बात आती है कि हम VR एजुकेशन में क्यों यूज करें, इससे क्या होगा, ये कैसे हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करेगा। हाउ दिस वी आर इन एजुकेशन गोइंग टू इनहांस अवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इट इनहांस स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। तो पहला चीज है विजुअलाइजिंग कम्प्लेक्स कंसेप्ट है। तो वी आर अलाउ स्टूडेंट टू विजुअलाइज कम्प्लेक्स कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन एक्सप्लोर द ह्यूमन बॉडी, लर्न अबाउट द एनाटोमी ऑफ प्लांट्स और स्टडी द सोलर सिस्टम। बहुत सिंपल है, जैसे आप हमारी जो हमारे शरीर में जो ब्रेन है, बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम है, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, हमारे स्टमक है, लीवर है, ये सारी चीजों को हम किताबों में या किताबों में जो इमेज देखते हैं, वेब में जो इमेज देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं, वो काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन, कम्प्लेक्स कंसेप्ट होता है, उसको तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये VR के थ्रू उस कंसेप्ट को हम बेटर वे में विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। हार्ट का फंक्शन है या लीवर का फंक्शन है, या आप सोलर सिस्टम दिखाना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट हो गया, सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वर्चुअल टूर करा सकते हैं। तो ये सारे जो कम्प्लेक्स कंसेप्ट है, इस VR टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस कंसेप्ट को बेटर समझ सकते हैं। देन डेवलपिंग स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। हमेशा हम ये सोचते रह जाते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे होता है, या फिर एक सर्कल 360 डिग्री कैसे होता है, क्यों होता है। ये बहुत सारी जो रीजनिंग जो स्किल जो है, जो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर हम VR में, VR टेक्नोलॉजीज के थ्रू दे सकते हैं। कैसे, द VR प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप स्पेशियल रीजनिंग स्किल विच आर क्रूशियल फॉर सक्सेस इन फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। देन इम्प्रूविंग मेमोरी एंड रिकॉल्स। ये कैसे हमारे मेमोरी को रिकॉल करने में, हमारा रिटेंशन को कैसे बढ़ाएगा। बेटर द प्रेजेंटेशन, बेटर द अंडरस्टैंडिंग। जितने अच्छे से हम कंसेप्ट को प्रेजेंट करेंगे, उतनी अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे और रिकॉल भी कर पाएंगे। तो VR का जो इमर्सिव नेचर है, दैट कैन इंप्रूव स्टूडेंट्स मेमोरी एंड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड एनवायरमेंट इन अ वर्चुअल वर्ल्ड कैन क्रिएट अ मोर मेमोरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे जब हम अगर देखते हैं केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में देखते हैं, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस देखते हैं, या फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं, तो जब फोटोसिंथेसिस की भी बात होती है, तो ये प्रोसेस कैसे होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कितनों ने देखा है रियल आंखों से, हमने किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, या फिर पानी जो है एक पेड़ का जो रूट है, उसकी जड़ से कैसे वो ऊपर की ओर जा रही है, तो एक एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स है कैसे ऊपर की ओर जा रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, इसमें डिफ्यूजन हो रहा है या ऑस्मोसिस हो रहा है या कैपिलरी एक्शन हो रहा है, ये सारी चीजों को हम ये वर्चुअल रियलिटी के साथ या VR टेक्नोलॉजी के साथ में बेहतर रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, उससे क्या होगा कि मेमोरी जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर होगा। तो रिकॉलिंग दैट इंफॉर्मेशन, ये दोबारा उसको रिकॉल करना या याद करना,
ज्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम मिक्स रियलिटी में। तो मिक्स रियलिटी एक्चुअल में यहाँ कुछ पावर पॉइंट जो है ओवरलैपिंग हो गई है, बाद में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो ये टेक्निकल जो टाइपिंग एरर है वो ठीक हो जाएगा। ये मिक्स रियलिटी है क्या? ये मिक्स रियलिटी दैट कंबाइंड्स बोथ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड द वर्चुअल रियलिटी, अलाउइंग यूजर्स टू इंटरैक्ट विद वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड द एनवायरमेंट इन रियल टाइम। आप आपके इस स्लाइड में देखिए, यहाँ एक बच्ची जो है हेडसेट भी पहनी हुई, हाथ में कंट्रोलर है, और यहाँ आप कुछ देख रहे हैं सोलर सिस्टम। एग्जैक्टली ऐसा ही अगर आप मिक्स रियलिटी में जाएंगे तो आप जो वर्चुअल रियलिटी में महसूस कर रहे थे और ऑगमेंटेड रियलिटी में, दोनों को आप एक जगह फील कर पाएंगे। तो दैट इज द मिक्स रियलिटी, ब्लेंडिंग बोथ AR एंड VR। देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मिक्स रियलिटी? क्या इसके फीचर्स हैं? रियल टाइम इंटरेक्शन है, स्पेशियल अवेयरनेस है, ऑब्जेक्ट प्रेजिस्टेंस है, और कोलैबोरेशन है। खासकर मेडिकल जो एजुकेशन है या आर्किटेक्चर हो गया, ये सारी चीजों में हम सबसे ज्यादा मिक्स रियलिटी को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इमेज आप लोगों को समझने के लिए दी हूँ। एक मेडिकल स्टूडेंट्स को समझने के लिए, या फिर बॉडी के जो ऑपरेशंस होते हैं बॉडी पार्ट्स के, उसको एक एक चीजों को बारीकी से समझने के लिए ये जो मिक्स रियलिटी है, जो टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा यूज होता है। क्योंकि रियल टाइम इंटरेक्शन है, दैट यूजर कैन इंटरेक्ट विद द वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड एनवायरमेंट इन रियल टाइम। द सेम टाइम स्पेशियल अवेयरनेस दे मार्क प्रेजेंस द रिजर्व द यूजर अवेयरनेस ऑफ देयर फिजिकल सराउंडिंग्स व्हाइल इंटरेक्टिंग विद द वर्चुअल कंटेंट। देन ऑब्जेक्ट प्रेजिस्टेंस में ऑब्जेक्ट कैन प्रेजिस्ट इन अ फिजिकल एनवायरमेंट अलाउइंग टू ऑनगोइंग इंटरेक्शन। उसके बाद कोलैबोरेशन कर सकते हैं, एनेबल्स मल्टीपल यूजर टू इंटरेक्ट विद द सेम एनवायरमेंट साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही एनवायरमेंट में, जिस तरह से हम और आप एक ही इन्वायरमेंट में है, वैसा ही वर्चुअल वर्ल्ड में जो मिक्स रियलिटी में है, आप मल्टीपल यूजर्स या मल्टीपल स्टूडेंट्स या मोर देन अ नंबर और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है एक साथ यहाँ पे उस इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। इसका सबसे जो एजुकेशन में इसका फायदा है, ये इनहांस एंगेजमेंट, दिस क्रिएट इमर्सिव एंड इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस दैट कैप्टिवेट स्टूडेंट्स एंड फोस्टर अ लव ऑफ लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सप्लोर डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, इंटरैक्ट विद द वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेट इन सिमुलेशन, गेनिंग वैल्यूएबल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। देन पर्सनलाइज लर्निंग, अपने हिसाब से आप बच्चे को, अपने हिसाब से जो लर्नर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, Whoever be the learner, आप भी लर्नर हो सकते हैं, मैं भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो अपने जो कंफर्टेबिलिटी, कन्वीनियंट और अपनी जो पेस ऑफ लर्निंग है, अपनी लर्निंग स्टाइल है, अपनी जरूरत के हिसाब से इस एनवायरमेंट में लर्न कर सकता है और अपनी जो लर्निंग को एनहांस कर सकता है। नेक्स्ट चीज योर एक्सेसिबिलिटी, फिर से यहाँ हम पहले भी बात किए हैं वर्चुअल रियलिटी में भी और AR में भी, कि MR कैन प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ लोकोमोशन ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी और लर्निंग स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट इज 360 डिग्री इमर्सिव सिमुलेशन एंड क्रिएटिंग रियलिस्टिक एंड इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस। अगली चीजें हैं जो हम 360 डिग्री और इमर्सिव सिमुलेशन क्या है, ये जस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अगर देखेंगे, हम हमारे हाथ में कुछ भी ऑब्जेक्ट होती है, हम उसको 2D में देख सकते हैं, पूरी तरीके से एक समय में नहीं देख सकते हैं। क्योंकि 3D इमर्शन जो है, और 3D डिग्री जो इमर्सिव टेक्नोलॉजी जो है, ये आपको हर एक कोने से, जो हम XY एंड Z जो डायमेंशन, 3 डायमेंशन है, ये सारी मतलब तीनों डायमेंशन से आप इसको घुमा के देख सकते हैं। तो दिस इस इससे क्या होता है? इससे होता है रियलिस्टिक इन्वायरमेंट, स्टिल लाइक यू नो रियल वर्ल्ड सिनेरियो, प्रोवाइडिंग अ सेफ एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट फॉर प्रैक्टिस। और खासकर देखेंगे जो हमारे लैब में जो एक्टिविटीज जो होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, चाहे वो बायोलॉजी लैब में हो, फिजिक्स लैब में हो, चाहे केमिस्ट्री लैब में, तो जो हम हैंड्स ऑन करते हैं, तो काफी सारी चीजों को हम वो 3D या फिर उसकी जो कंप्लीट चीजें हम नहीं देख पाते हैं, उसको हम
छोटी छोटी बारीकियां देखना हो तो हम नहीं देख सकते हैं, पर ये 3D इमर्शन सिमुलेशन आपको हर बारीकियों को समझने के लिए मौका देगा। इंटरैक्टिव, जब आप एक एक चीजों को ओपन करके देख सकते हैं हर डायमेंशन से, तो आपको उससे इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस होगा दैट यू कैन इंटरैक्ट विद अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड एनवायरमेंट, प्रोमोटिंग एक्टिव लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। एंगेजिंग कंटेंट, इमर्सिव सिमुलेशन कैप्टिवेट यूजर्स विद एंगेजिंग नैरेटिव्स एंड इंटरैक्टिव चैलेंजेस, इनहांसिंग मोटिवेशन एंड रिटेंशन। ये क्यूरियोसिटी, जैसे बच्चों को लगता है ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इससे क्या होगा, तो ये क्यूरियोसिटी जब हम जब 3D सिमुलेशन करते हैं तो वो क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो ये क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं बच्चों की जो मोटिवेशन है, सीखने की जो जिज्ञासा है, इसको बढ़ा देती है, और ये सीखने की जिज्ञासा उनको हेल्प करती है आगे रिटेन करने के लिए। देन दिस रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ये हमारे कहाँ पर यूज होता है 3D सिमुलेशन, ये वर्चुअल फील्ड ट्रिप में यूज होता है, कैरियर एक्सप्लोरेशन में यूज होता है, साइंस एंड लेबोरेटरीज में होता है, हिस्टोरिकल रीएनैक्टमेंट में होता है। तो मैं यहाँ कुछ इमेजेस दी हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला स्लाइड से, जो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प अस इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, द पेडागोजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंडेड रियालिटी। दिस एमआर और योर मिक्स रियालिटी और एक्सटेंडेड रियालिटी और इमर्सिव टेक्नोलॉजीज एनहांसिंग आवर टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट बाय प्रोवाइडिंग एंगेजिंग इंटरक्टिव एंड पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इट्स इंक्रीज एंगेजमेंट, इट इंक्लूड रिटेंशन, इज पर्सनलाइज लर्निंग एंड एनहांस कोलाबरेशन। द नेक्स्ट वन इज योर वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब इज योर ई लैब, यू कैन से, और यू कैन से ऑनलाइन लैब, और यू कैन डिजिटल लैब, मेनी नेम यू कैन गिव। तो ये वर्चुअल लैब है क्या? तो वर्चुअल लैब इज अ वर्चुअल लेबोरेटरी, इज अ कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज वेयर स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विद एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस और अदर एक्टिविटीज वाया अ कंप्यूटर इंटरफेस। सो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस वर्चुअल लैब? इस वर्चुअल लैब के की फीचर्स होते हैं कोलैबोरेशन टूल। टूल में क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है, फॉर एग्जांपल अगर केमिस्ट्री का एक लैब है, तो केमिस्ट्री का लैब में अगर एक सोडियम या फिर एक टाइट्रेशन करना है सोडियम, या फिर कोई भी सॉल्ट सॉल्ट टेस्ट करना है, या बायोलॉजी में कुछ करना है, या फिजिक्स में भी कुछ करना है, तो बहुत सारे जो अपैरेचर्स होते हैं, वो अपैरेचर्स को हैंडल करना, उस अपैरेचर्स को यूज करना कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए, एक फिजिकल लैब का होना जरूरी होता है। पर वो फिजिकल लैब में जो जो चीजें हम कर रहे हैं, सेम हम यहाँ वर्चुअल लैब में भी कर सकते हैं। बट इट कोलाबरेशन ऑफ टूल इन वर्चुअल लैब कैन एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय प्रमोटिंग टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। द सिंपल एंड रेस्पॉन्सिव इंटरफेस, ये वर्चुअल लैब बहुत सिंपल होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हर छोटे छोटे चीजों को टीचर्स को पूछे कि इसके बाद क्या होता है, आगे क्या करना है, अगर मैं ज्यादा केमिकल्स या कंसंट्रेटेड एसिड डाल दिया, डाइल्यूट एसिड डाल दी, तो इससे क्या होगा, इससे क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इससे नुकसान हो सकता है। ये सारी चीजें जो है बहुत ही सेफ है वर्चुअल लैब में, बहुत सिंपल होता है, एक्सेसिबिलिटी है, वर्चुअल एनवायरमेंट और हैंड्स ऑन लैब है, कहीं से भी कहीं भी। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में जाएंगे जो लैब में लैब अटेंडेंट और आप अवेलेबल रहेंगे, तभी जाके आप में टीचर अवेलेबल होंगे तभी जाके कब लैब का एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी कोई भी डिवाइस से कभी भी इस वर्चुअल लैब को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज वर्चुअल एनवायरमेंट, हैंड्स ऑन लैब, एक्सेसिबल फ्रॉम अ कंप्यूटर विद इन अ प्राइमरी वेब ब्राउजर एंड फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो डाउनलोडेड जो अभी हम बहुत जल्दी ये फीचर्स लेके आ रहे हैं, अभी काम चल रही है इस पे, तो ये बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी से भी वर्चुअल लैब को भी एक्सेस कर सकते हैं। रियल टाइम गाइडेंस, दिस टाइप ऑफ गाइडेंस इज डिलीवरेबल इन रियल टाइम, अलाउंस टू बी रिसीव फीडबैक इमीडिएटली। अगर एक स्टूडेंट जो डिस्टेंस लर्निंग की जो बात करते हैं या ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं, तो वर्चुअली जब रहते हैं बच्चों को कोई चीजों में समझ नहीं आ रही है, तो वो इमीडिएटली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने टीचर से या अपने फ्रेंड से, और एग्जैक्टली वहाँ इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। देन इंस्ट्रक्टर कंट्रोल अथराइज टीचर्स टू इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो
electronically monitor their students' progress that happens in physical classroom, a kind of LMS, एक तरह से एक LMS है, learning content management system. तो बच्चों की जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो चीज भी यहाँ पे हम प्रोग्रेस बच्चों को प्रोग्रेस को हम मॉनिटर कर सकते हैं. कि वर्चुअल लैब को हम क्लास में कैसे यूज करेंगे, द पेडागोजिकल इंटीग्रेशन ऑफ वर्चुअल लैब. तो एनसीईआरटी वर्चुअल लैब जो है दीक्षा के पोर्टल में आप जाएंगे तो वर्चुअल लैब एक वर्टिकल्स है जहाँ सारे जो सब्जेक्ट्स हैं क्लास 6 से लेके 12 तक के तो सब्जेक्ट वर्चुअली अवेलेबल है, जो आप उस वर्चुअल लैब फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको आप बहुत सारे एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं. तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ एक प्री लैब सेशन, परफॉर्मेंस सेशन एंड पोस्ट लैब सेशन. तो स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस टू द थियोरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैब एक्टिविटी. Then they might review instructional material, watch demonstration video, or complete preparatory assignment to familiarize themselves with the procedure and equipment they will be using. मतलब इस virtual lab का जो pre-lab session है इसमें सारे information रहता है, theoretical background रहता है, उसके अंदर principle क्या है, उसके theory क्या है, what are the procedures, what are the apparatus to be used. और कैसे रिकॉर्ड करेंगे रीडिंग्स को, ये सारे जो है लैब के प्री सेशन में रहता है. परफॉर्मेंस सेशन वो सारी चीज करने के बाद में बच्चे परफॉर्म करेंगे, खुद एक एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होंगे. इन्वॉल्व होने के बाद में उसमें जो सारे प्रोसीजर फॉलो करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में वो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. पोस्ट लैब सेशन में ये सारी चीजों को वो एक जो भी थ्योरी है, जो भी प्रिंसिपल है उसके साथ मैच करेंगे और एक कंसोलिडेट कंक्लूजन जो है, एनालिसिस जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे. ये वर्चुअल लैब ऑन दीक्षा का स्टेप्स है. आप वर्चुअल लैब जो है दीक्षा प्लेटफॉर्म में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें पहला है कि आप सर्च कीजिए, स्क्रॉल कीजिए जिसमें एक्सप्लोर आइकॉन दिया हुआ है. उसके बाद आप जो भी कंटेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ क्लास 11 का दिया हुआ है, क्लास 11 का कोई भी सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए. साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंसेस है, लैंग्वेजेस है. आप सेलेक्ट करने के बाद में आपके जो टेक्स्ट बुक में जो और या फिर आपके जो लैब मैनुअल में जो एक्टिविटीज है उसको क्लिक करके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. नेक्स्ट है हाउ दीज इमर्सिव टेक्नोलॉजीज हेल्पिंग अस इन असेसमेंट. कैसे हमारे ये जो असेसमेंट में इमर्सिव टेक्नोलॉजी या एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी हेल्प करता है. पहला है सिमुलेशन बेस्ड असेसमेंट. इन दिस सिमुलेशन बेस्ड असेसमेंट स्टूडेंट्स एबल टू अप्लाई नॉलेज इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो थ्रू VR simulations such as virtual lab and problem solving tasks in simulated environment. तो जो भी सिमुलेशन बच्चे कर रहे हैं उनकी जो सिमुलेशन का जो कितने एक्सटेंट पे बच्चे कर पा रहे हैं आप इसको असेस कर सकते हैं. असाइनमेंट देके, प्रोजेक्ट देके, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टास्क देके. नेक्स्ट है स्किल बेस्ड असेसमेंट. तो स्किल बेस्ड असेसमेंट प्रैक्टिकल स्किल इन इमर्सिव सेटिंग सच एज मेडिकल स्टूडेंट परफॉर्मिंग सर्जरीज इन VR और इंजीनियर स्टूडेंट्स आर टेस्टिंग इन AR. ये तो हायर एजुकेशन में हो गया. आप सोच रहे होंगे छोटे बच्चों को मैं ये कैसे दे सकता हूँ, तो स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग या स्पेशियल जो हम आगे डिस्कशन किए थे, तो स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग एबिलिटी जो है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्किल यूज होता है, कैसे बच्चे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीज हम असिस्ट कर सकते हैं. देन इमर्सिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क. तो इमर्सिव रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसका एक प्रोटोटाइप हो गया इमर्सिव वर्ल्ड. उस इमर्सिव वर्ल्ड में जो रियल प्रॉब्लम को इमर्सिव वर्ल्ड में बच्चे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज यू नो इमर्सिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क. यूज AR टू क्रिएट इंटरैक्टिव टास्क वेयर स्टूडेंट मैनिपुलेट डिजिटल एलिमेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू देयर अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव फीडबैक. प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक इन रियल टाइम एज स्टूडेंट्स एंगेज इन AR एंड VR टास्क allowing for ongoing assessment of their progress and area of involvement. Time to time formative assessment आप देते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे अगर immersive environment में जो भी learn करें चाहे AR के through चाहे VR के through, तो जो chances of that improvement
जो भी बच्चे गलतियां कर रहे हैं उसको आगे हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, कैसे उनको हम कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम फॉर्मेटिव फीडबैक में दे सकते हैं। देन क्रिएटिविटी एंड डिजाइन, और असेस स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी थ्रू द टास्क दैट इन्वॉल्व डिजाइनिंग वर्चुअल मॉडल एनवायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लास 7-8 में बच्चों को कार्बन एटम के बारे में जब समझाते थे, छोटे छोटे हम उनको प्रोजेक्ट देते थे, तो प्रोजेक्ट में बच्चे मॉडल बनाते थे, तो जो मॉडल्स होते हैं या चार्ट्स होते हैं या ड्राइंग करते हैं, वो कभी कभी 2D में रहता है या फिर अब सिंपल एक प्लेन पेपर में होता है, और बहुत सारे लिमिटेशन होता है जिसके वजह से वो कंसेप्ट को बच्चे प्रोजेक्ट या फिर डिस्प्ले या फिर उसको बना नहीं पाते हैं। तो जो कंसेप्ट को बच्चे फिजिकल वर्ल्ड में, जितने भी हमारे जो चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया या मॉडल्स हो गए हैं, जो भी हमारे जो रिसोर्सेस हैं, जो नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ VR टेक्नोलॉजीज और AR टेक्नोलॉजी। तो दैट इज क्रिएटिविटी एंड डिजाइन। तो यू कैन एंगेज द स्टूडेंट इन अ वेरियस प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। देन गेमिफाइड असेसमेंट, गेम बेस्ड लर्निंग जिसको हम कहते हैं, पजल हो सकता है, द टर्न पजल यूज कर सकते हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन कोलैबोरेटिव एंड टीम वर्क, यूज इमर्सिव टेक्नोलॉजी टू एक्सेस कोलैबोरेशन स्किल्स बाई हैविंग स्टूडेंट्स वर्किंग टूगेदर इन वर्चुअल स्पेस टू कम्प्लीट ग्रुप प्रोजेक्ट और चैलेंज, वे स्टूडेंट्स कैन अर्न रिवॉर्ड और अचीव गोल बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। ये टीम वर्क है। आगे देखते हैं चैलेंजेस और कंसिडरेशन क्या है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हमारे स्कूलों में नहीं है या हमारे पास नहीं है, इसको हम कैसे यूज करेंगे? टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, पर हम इसको यूज कैसे करेंगे? हाँ, हमारे पास चैलेंजेस है, हर टेक्नोलॉजी की अपनी एक लिमिटेशन होती है और हर टेक्नोलॉजी की अपनी एक एडवांटेजेस होती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं? यहाँ पर मैं तीन चीजें मैं मारती हूँ। पहला है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए जो टेक्नोलॉजी के जो कॉस्ट होते हैं, वो एफर्ट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सो दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी कैन बी सिग्निफिकेंट, बट इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव। देन टीचर ट्रेनिंग, जैसे टीचर ट्रेनिंग की बहुत जरूरी है। जब तक टीचर्स हमारे इस सारे टेक्नोलॉजी को अपने पेडागोजी में, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या असेसमेंट में कैसे यूज करना है, इसके बारे में अगर उनको नहीं पता होगा, तो टेक्नोलॉजीज के नए नए फीचर्स आ रहे हैं, वो क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं जो हमें यूज करना है, हार्डवेयर चाहे वो सॉफ्टवेयर, ये सारे जो ट्रेनिंग जो है टीचर को बहुत जरूरी है। द टीचर्स रिक्वायर ट्रेनिंग टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट इमर्सिव टेक्नोलॉजीज इनटू देयर करिकुलम एंड लीवरेज देयर पोटेंशियल। और नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टेक्निकल सपोर्ट। तो सारे लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं या टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं, तो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स आए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, उसको ट्रबल शूट कर पाए या उसको सुलझा पाए। तो दैट इन मेंटेनिंग एंड ट्रबल शूटिंग वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी कंपोनेंट्स इक्विपमेंट्स कैन बी चैलेंजिंग। तो आगे ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, हमें इसको कंसिडर करना है, ना कि भागना है, ताकि हम ये जितनी भी इमर्सिव टेक्नोलॉजी हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और असेसमेंट में यूज कर सकते हैं। तो फॉर दिस सेशन आलोक, कैन वी हैव 1 or 2 minutes ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सेशन। सो लर्निंग वोट चेंज अंटिल प्रोफेशनल लर्निंग चेंजेस। थैंक यू। एनी क्वेरी और शैल वी मूव टू द नेक्स्ट सेशन? आलोक, मैम, वी हैव लेफ्ट विथ वेरी लिमिटेड टाइम, तो मैम यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ओके।
जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड. सुजीत विजिबल? इज इट विजिबल? यस मैम, इट इज विजिबल. तो अभी हम आगे देखते हैं जो वीआर टेक्नोलॉजी, एआर टेक्नोलॉजी या इमर्सिव टेक्नोलॉजीज हैं, ये बनते कैसे हैं, इनके कंटेंट बनते कैसे हैं. तो इसके लिए सबसे जरूरी है उसका प्लानिंग करना, जिसको हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन. जिस तरह से वीडियो के हम कंटेंट बनाते हैं, वैसे ही जो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज जो हैं उनके कंटेंट भी हमें बनाना पड़ता है. तो उसके लिए जो सेशन हमने रखा है स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग, तो ये सेशन में हम इसमें इस पार्ट में हम सीखेंगे कि प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन क्या होता है, ये स्क्रिप्ट कैसे होता है. जिस तरह से एक वीडियो बनाते हैं तो उसकी एक स्क्रिप्ट होती है, या ऑडियो बनाते हैं उनकी स्क्रिप्ट होती है. तो ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी या मिक्स रियलिटी की जो कंटेंट बनती है वो कैसे बनती है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, उसकी जो मेथड क्या है, तो स्टोरी बोर्डिंग कैसी होती है, उसकी प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन एंड उसको समझते हैं यहाँ पे. तो ये फ्लो चार्ट है जिसमें आपको समझ में ये आएगा कि प्री प्रोडक्शन शुरू या वीआर या एमआर या वेक्सआर का कंटेंट बनाने से पहले क्या करना पड़ता है. इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट एक साथ बैठते हैं, वो एक्सपर्ट बैठ के प्लानिंग करते हैं. एक्सपर्ट कौन कौन होंगे, कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग में जो एक्सपर्ट है वो होंगे. एक 3D आर्टिस्ट होगा जो 3D कंटेंट या 3D इमेजेस बनाते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर जिसको कहते हैं. उसके साथ ही हम और आप जैसे टीचर्स होंगे, जो टीचर्स ये बताएंगे कि हमारे सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर, कौन सा कंटेंट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्चुअल रियलिटी में दिखाना है कि ऑगमेंटेड रियलिटी में दिखाना है कि मिक्स रियलिटी में दिखाना है या 3D या 360 सिमुलेशन में दिखाना है. तो ये डिसाइड सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं टीचर्स. जैसे हम और आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी में, वॉल्केनो पढ़ाना है. तो वॉल्केनो जब पढ़ाना है तो हम उसको कौन सा माध्यम में सबसे बेस्ट दिखा सकते हैं, एआर में, वीआर में, एमआर में या 360 डिग्री सिमुलेशन में. तो वो एक प्लानिंग होती है. तो प्री प्रोडक्शन में बहुत सारे जो एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, बैठ के प्लान करते हैं. प्लान करने के बाद में हम उसकी स्टोरी बोर्डिंग स्क्रिप्टिंग करते हैं. स्क्रिप्टिंग करने के बाद में जो इन्वायरमेंट की भी डिजाइन होती है कि वो इन्वायरमेंट कैसा होगा. जैसे अभी हम और आप एक रूम में बैठे हैं तो रूम का जो है कमरे का इन्वायरमेंट है, तो स्कूल है या तो स्कूल का इन्वायरमेंट है. उसी तरह अगर कोई कंटेंट को डिस्प्ले करना है, दिखाना है, तो उसका जो बैकग्राउंड इन्वायरमेंट कैसा होगा ये भी डिसाइड करना होता है. और इसको हम प्लानिंग में रख के प्रोडक्शन में लेके जाते हैं. तो प्रोडक्शन में देखेंगे यहाँ सेकेंड स्टेप जो है प्रोडक्शन. तो 3D एसेस्ट मॉडलिंग, जो ग्राफिक्स एनिमेटर्स होते हैं, 3D मॉडलिंग मॉडलर होते हैं, हम लोग 3D इमेजेस बनाते हैं, फिर उसको एनिमेशन करते हैं. और कुछ भी वॉइस ओवर करना है, जो वॉइस नरेशन जो है, जो ऑडियो रिकॉर्ड करना है वो भी करना है. साथ में UI यूजर इंटरफेस डिजाइन करना होता है. तो ये सारी चीजें जो है किस में करते हैं, तो यहाँ कुछ कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए हुए हैं. ये सॉफ्टवेयर यूज होता है सबको बनाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए. जैसे आपके बाकी जो सेशन में बताया गया है, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर है, इमेज कैप्चर करना है तो क्या सॉफ्टवेयर है, वीडियो रिकॉर्ड करना है तो क्या सॉफ्टवेयर है. उसी तरह यहाँ इमर्सिव टेक्नोलॉजीज में क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज होता है, ये सारे प्रोडक्शन में हम फॉलो करते हैं. नेक्स्ट पोस्ट प्रोडक्शन. पोस्ट प्रोडक्शन में ट्राई आउट होता है, हम उसको पायलटिंग करते हैं. और ये पायलटिंग फील्ड में, फील्ड से पहले लैब जो वर्क स्टेशन होता है वहां पर सबसे ज्यादा काम होता है, जहां पर इंटीग्रेशन होता है, कोडिंग होता है, डिप्लॉयमेंट होता है.
इसमें हाई एंड यूजर कंप्यूटर होता है, जो यहाँ पर आप कुछ कुछ नाम देख रहे हैं, यूनिटी, अनरियल, विजुअल स्टूडियो, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। जो सॉफ्टवेयर्स को हम यूज करते हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड या वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए। उसके बाद में हम इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद में इसको हम डिलीवर करते हैं। तो ये है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। बाकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे हम वीडियो में बनाते हैं, ऑडियो में बनाते हैं या एनिमेशन में बनाते हैं, उससे ये जो AR और जो इमर्सिव टेक्नोलॉजी या VR के जो स्क्रिप्ट राइटिंग के जो प्रिंसिपल है बिल्कुल अलग है। तो पहला चीज है इंटरैक्टिविटी। इंटरैक्टिविटी का मतलब है कि जब हम जब भी स्क्रिप्ट लिखते हैं वो कितना इंटरैक्ट होगा। इसके मैं एक सैंपल आप लोग को दिखाऊंगी अभी। इमर्सिव प्रेजेंस है, सेकेंड है इमर्शन एंड प्रेजेंस। आपके स्क्रिप्ट में ऐसा होना चाहिए कि जब वो प्रोग्राम बनेगा तो आप महसूस करेंगे कि हाँ सच में मैं उस वर्चुअल वर्ल्ड में मैं प्रेजेंट हूँ। तो जब आप प्रेजेंट होंगे तो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए कि आप ही वाकई उस वर्ल्ड में हो। स्पेशियल स्टोरी टेलिंग, जो इन्वायरमेंट में जो चीज भी दिखेगी, हर एक ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, हर एक ऑब्जेक्ट में स्टोरीज होंगे, दैट इज स्पेशियल स्टोरी टेलिंग। नॉन डिस्ट्रप्टिव गाइडेंस, यहाँ किसी तरह का डिस्टर्ब या किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हम और आप अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हमें किसी तरह का डिस्ट्रप्टिव नहीं होना चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए, आप फ्री हो उस एनवायरमेंट को बनाने के लिए, क्योंकि वो इमेजिनरी वर्ल्ड उस वर्चुअल वर्ल्ड को बनाने के लिए आपके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए। देन कोहेंशन एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। इमर्सिव डायलॉग, उसमें जो भी डायलॉग वॉइस ओवर होंगे वो डायलॉग इमर्सिव होना चाहिए। इमर्सिव यहाँ पर इमर्सिव डायलॉग मतलब वो डायलॉग आपका आपको उस वर्ल्ड में प्रेजेंस इमर्स मतलब पूरी तरीके से डुबो देगा उसमें। और रियल टाइम फीडबैक, कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज नहीं हो रहा है, देन कॉन्टेक्चुअल इंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट मतलब आप हमारे ऑडिबल आलोक तो कॉन्टेक्चुअल इंस्ट्रक्शन मतलब कौन सा कॉन्टेक्स्ट पे हम बना रहे हैं ये कंटेंट को। जैसे शहर के बच्चों को अगर हम गांव के एग्जांपल देंगे तो बच्चे रिलेट भी कर सकते हैं नहीं भी। इंडियन कंटेक्स्ट हो गया या लोकल कंटेक्स्ट हो गया, ये सारे चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन्वायरमेंट बनाने के लिए। जैसे मैं भी मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का इन्वायरमेंट अलग है, आप अपने शहर में हैं आपके शहर के कंटेक्स्ट अलग है, तो आपके वहाँ का इन्वायरमेंट और मेरा यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। तो जो कंटेक्सुअल इंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल इंगेजमेंट, इमोशनल इंगेजमेंट और रिप्लेएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस इमोशन जो हमारा सेंस है जो हमें इमर्स करेगा उस वर्चुअल वर्ल्ड में, अगर वो स्क्रिप्ट में उस स्क्रिप्ट में अगर इमोशनल एंगेजमेंट नहीं होगा तो हम उस वर्ल्ड में इमर्स या वर्चुअल वर्ल्ड में इमर्स या उसमें हम अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे। देख कैसे स्क्रिप्ट को लिखेंगे, इसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट लोग एक साथ मिलके इसको बनाते हैं, जिसको हम ब्रांचिंग नैरेटिव स्ट्रक्चर करते हैं, मॉड्यूलर राइटिंग होते हैं, डायलॉग और इन्वायरमेंटल क्यू। जो डायलॉग हमें वीडियो में दिखाई देता है वैसे यहाँ पे नहीं होते हैं, इसकी अलग तरीके से होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सेम चीज स्टोरी बोर्डिंग के लिए भी है। 360 डिग्री स्पेशल अवेयरनेस होना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, यूजर सेंट्रिक होना चाहिए, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स होना चाहिए, लेयर स्टोरी टेलिंग, स्पेशल ट्रांसलेशन और इमर्सिव इन्वायरमेंट का डिटेल होना चाहिए उसमें, मल्टीपल व्यू पॉइंट, देन पेसिंग एंड टाइमिंग, यूजर फ्लो एंड एक्सपीरियंस, नैरेटिव एंड क्यू प्रॉम्प्ट्स। तो ये सारे पॉइंट्स मैं अभी आपको एक स्क्रिप्ट शेयर करती हूँ, उस स्क्रिप्ट में ये चीज को आप देख पाएंगे।
एक स्क्रिप्ट है वर्चुअल रियलिटी के लिए. आलोक, ये दिखाई दे रहा है सबको? स्क्रीन शेयर हो गया है. यस मैम दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर एक, जितना मैं आपको प्रिंसिपल और मॉडल मेथड्स के बारे में बताया अभी स्क्रिप्ट का, तो ये एक वर्चुअल रियलिटी का स्क्रिप्ट है. आप यहाँ देख सकते हैं, ये टॉपिक है डिफ्यूजन, क्लास एंड सब्जेक्ट है क्लास 9 का बायोलॉजी, और स्क्रिप्ट का डिस्क्रिप्शन है द लर्निंग एनवायरनमेंट शोज टिपिकल बायोलॉजी लैब सेटअप. तो एनवायरनमेंट को हम डिफाइन कर दे रहे हैं, विच इंक्लूड्स एक्सपेरिमेंटल टेबल्स एंड स्टूल्स, स्लैब, स्टोर रूम, इक्विपमेंट्स, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, साइंटिस्ट पिक्चर्स एक्सेट्रा. एंड इन दिस स्क्रिप्ट अ वीडियो इज रनिंग ऑन वन साइड शोइंग अ डिटेल ऑफ द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस. द लर्नर विल गेट इनसाइट इनटू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ये तो सारा डिटेल जो है हमें ब्रीफ में बताना होता है. और जैसे हम जानते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम, की ये कंटेंट से बच्चे क्या सीखेंगे, व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम. तो यहाँ पर आप देखेंगे चार लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन किया है. उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं, ये सारे चीजों को हम टेबल में ऑर्गेनाइज किए हैं. तो पहला फ्रेम है, लर्निंग पॉइंट्स है, टेक्स्ट एंड नरेशन है, ऑब्जेक्ट्स एंड विजुअल, बैकग्राउंड इफेक्ट, एग्जाम्पल और इमेज एंड इंटरक्टिविटी पॉइंट्स. तो यहाँ देखेंगे लर्निंग पॉइंट्स क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन. नरेशन क्या है, स्टार्टिंग कैसे होगा, वर्चुअल वर्ल्ड में जैसे बच्चा एंटर करेगा तो वो उसमें क्या दिखेगा. तो ये सारी चीजें हमें स्क्रिप्ट में शो करना है. तो पहला चीज है, जैसे हैव यू सीन व्हाट हैपेंस टू रेजिन्स व्हेन केप्ट इन वाटर ओवरनाइट. मतलब एक किशमिश को बच्चे को पूछना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, तो उनको एक एग्जाम्पल देंगे या एक्टिविटी देंगे कि अगर आप किशमिश को रात में पानी में भिगो के रखोगे तो क्या होगा. तो हैव यू नोटिस द चेंज इन कलर एंड वाटर. तो आप यहाँ देखिए विजुअल ऑब्जेक्ट, बैकग्राउंड विजुअल्स और एग्जाम्पल इमेज क्या है. तो एक इमेज यहाँ पर हम सजेस्ट करेंगे, ग्लास बॉल ऑफ वाटर विथ रेडियंस फ्लोटिंग इन इट. उसके बाद हम ये भी मेंशन करेंगे, वाटर इन द बॉल स्लोली बिकम्स क्लाउडी, द रीजन्स विजिबल स्वेल एंड टेक्सचर अपीयर्स. ये भी ऑब्जेक्ट विजुअल, मतलब ये वर्चुअल एनवायरमेंट में ये सारी चीजें दिखेंगी. तो ये सारी चीजों को बनाएगा कौन, हमारे पास इसमें क्या होता है, 3D आर्टिस्ट होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं. यहाँ जो भी मेंशन किया हुआ, जो भी लिखा हुआ, उसको वो एनिमेशन फॉर्म में या जो भी रिक्वायरमेंट है एनवायरमेंट के लिए वो सारी चीजें बना के देंगे. उसके बाद में बैकग्राउंड विजुअल्स, उस बैकग्राउंड विजुअल मतलब वो वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या रहेगा. नट टिपिकल बायोलॉजी लैब होगा जिसमें एक्सपेरिमेंटल लैब टेबल सेटअप होगा. और लाइटिंग जो है, सबटल लाइटिंग रिपलिंग थ्रू द वॉटर, लाइटनिंग इफेक्ट, जैसे आपके भी कमरे में जो लाइटनिंग इफेक्ट है, आपके रूम में किसी तरह का जो कलर सेचुरेशन है, उजाला है या अंधेरा है, ये सारी चीजें हम लाइट ऑन करके या बंद करके देखते हैं, सेम है ये सेटिंग हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में होगा. तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसा होगा यहाँ पर भी हमें बताना होगा. उसके बाद आप देखेंगे कैसे नेविगेट, जैसे आप अपने रूम में मूव कर सकते हैं, अपने जो लैब सेटअप जो होता है फिजिकल लैब में मूव कर सकते हैं, वैसा ही आप जो वर्चुअल लैब में या वर्चुअल एनवायरनमेंट में मूव करेंगे, एक एक सामान को आप इंटरैक्ट करेंगे, जो हम सबसे पहले स्लाइड में समझे थे. तो यहाँ पर ये नेविगेट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर टुवर्ड द एक्सपेरिमेंट सेटअप, सेलेक्ट ड्राई और सॉफ्ट रेजिन टू हैव अ क्लोज व्यू, क्लोजर व्यू, जूम इन टू सी द वॉटर कलर चेंजेस. तो ये इंट्रैक्शन पॉइंट है. ये सारे इंटरेक्टिविटी जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जिसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो प्रोग्रामर होते हैं, ये सारे इंटरेक्टिविटी पॉइंट को ऐड करते हैं. तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जो स्क्रिप्ट करते हैं या स्टोरी बोर्डिंग करते हैं, जब वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए या इमर्सिव टेक्नोलॉजीज के लिए जब कंटेंट लिखते हैं, तो हमें ये सारी चीजों को स्क्रिप्टिंग करते, स्क्रिप्टिंग के समय ध्यान रखना होता है. पहला लर्निंग पॉइंट्स, टेक्स्ट नरेशन, ऑब्जेक्ट विजुअल्स, बैकग्राउंड विजुअल्स एंड इफेक्ट, और एग्जाम्पलर इमेज, इंटरक्टिविटी पॉइंट्स. तो एग्जाम्पलर इमेज है क्या, तो एग्जाम्पलर इमेज में आप देखिए यहाँ पर आगे हम देखेंगे, बच्चों को समझना होगा कि समझाना चाहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन क्या है. तो डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, एज यूजल हमारे लर्निंग पॉइंट्स जो है वो नरेशन में वॉइस ओवर होगा, वॉइस ओवर मतलब ऑडियो में होगा.
डिफ्यूजन का डेफिनेशन दिया हुआ है, विजुअल क्या होगा, पार्टिकल क्लस्टर नियर द सेंटर। तो जैसे ये डेफिनेशन बच्चों के लिए नरेशन फॉर्म में आएगा तो उस समय क्या दिखेगा विजुअल, दैट इज द ऑब्जेक्ट विजुअल, बैकग्राउंड विजुअल बैकग्राउंड में क्या दिखेगा, उसके साथ ही एग्जाम्पलर इमेज जो है ग्राफिक्स इमेज ग्राफिक्स डेवलपर जो है उसको बनाएंगे, दैट इज डायग्राम शोइंग डिफ्यूजन इन गैसेस एंड लिक्विड्स। तो ये हुआ एग्जाम्पलर इमेज, साथ ही साथ इंट्रैक्टिविटी पॉइंट है, दैट इज हाईलाइट एरिया हाउ एंड हाई एंड लो कंसेंट्रेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर इंट्रैक्टिविटी पॉइंट जो है डिफ्यूजन के साथ में कैसे मैच हो रहा है और बच्चे कैसे यहाँ पर सीख रहे हैं कि डिफ्यूजन है क्या, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो दिस इज द हाईलाइट एरिया ऑफ हाई एंड डिफ्यूजन कंसेंट्रेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। तो आप इसमें देखेंगे सारी चीजें दिया हुआ, डिफ्यूजन का प्रोसेस दिया हुआ है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इन गैसेस, द डिफ्यूजन इन लिक्विड, रेट ऑफ डिफ्यूजन फैक्टर, टेम्परेचर इम्पैक्ट, पार्टिकल साइज, मीडियम इफेक्ट, देन डिफ्यूजन इन बायोलॉजी, डेली लाइफ, उसके साथ में हमारा असेसमेंट क्वेश्चंस है। ये सारे कंपोनेंट्स जो है हमारे स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग का हिस्सा है। ये सारे प्री प्रोग्रामिंग या फिर प्री प्रोडक्शन में होता है, ये सारी चीज को नेक्स्ट लेवल पे हम प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, प्रोडक्शन के बाद में पोस्ट प्रोडक्शन होता है, टेस्टिंग होती है कि ये सारे कंपोनेंट्स जो है उस इमर्सिव वर्ल्ड में आ गया है या नहीं आ गया है। तो आज हम ये सीखें कि जो इमर्सिव जो टेक्नोलॉजीज क्या क्या है और इमर्सिव टेक्नोलॉजी और कैसे उसके क्या क्या टेक्नोलॉजीज में एआर वीआर और एमआर है और कैसे इसके कंटेंट को बनाया जाता है और कैसे हम इसको हमारे टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट प्रोसेस में यूज करते हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी? मैम, एक वीआर को बनाने में कितना खर्च आएगा? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे। वीआर को बनाने के लिए खर्चा और समय और ह्यूमन रिसोर्स और आपका टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो है बहुत हाई कॉस्ट में जाता है सर। तो डिपेंड करता है कि आपका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट को बनाने के लिए आपने कैसा स्क्रिप्टिंग किया है। अगर स्क्रिप्टिंग अगर आपका बड़ा है, आपका स्टोरी बोर्ड बड़ा है, उसी के बेसिस पे खर्चा आएगा। तो एक प्रोग्रामर हो गया, प्रोग्रामर के साथ में जो आपको सॉफ्टवेयर जैसे यूनिटी गेम इंजिन हो गई, ग्राफिक्स डिजाइनर हो गए, जैसे ब्लेंडर हो गया, आपका माया जो सॉफ्टवेयर है, वो सारी चीजों को लेके देखेंगे तो एक कंटेंट को बनाने के लिए मिनिमम 5 to 10 lakhs लगता है उसमें। मैम, विच लैंग्वेज जनरली यूज टू डेवलप वीआर? यस मैम, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? यस मैम, विच कंप्यूटर लैंग्वेज जनरली यूज टू डेवलप वीआर? मैम इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गेम इंजिन वी आर यूजिंग। लाइक दैट यूनिटी वन गेम इंजिन इज देयर वेयर सी हैश यूज, लाइक दैट अनरियल इज देयर एंड गो डॉट एंड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज देयर। तो सी हैश, सी प्लस प्लस एंड इवन जावा। तो दैट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गेम वेरी। मैम मैम प्लीज शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद अस। एआई एज वेल एज पाइथन इज ऑल्सो यूजिंग टू डेवलप दिस वीआर? मैम इट्स नॉट लाइक दैट, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर द गेम इंजिन वी आर यूजिंग। मैम मैम मे आई? एवरीथिंग दैट डिपेंड्स ऑन दैट गेम इंजिन बिकॉज वॉट एवर वी आर यू नो स्क्रिप्टिंग, वॉट इज द नीड ऑफ आवर दैट कंटेंट, अकॉर्डिंगली वी प्लान आवर प्लेटफॉर्म एंड इंटरेक्टिविटी दैट डिपेंड्स। सपोज आई वॉन्ट दैट माई स्टूडेंट शुड इंटरेक्ट विद ए आई, टू दैट कंपोनेंट आई कैन एड इन माई गेम इंजिन, दैट इज नीड बेसिस। ओके मैम मैम, प्लीज थैंक यू ये मैम। मैम प्लीज ये स्क्रिप्ट शेयर कर दीजिए हमारे साथ। जी, जरूर। ओके मैम, श्योर। मैम, जो एआई है वो जस्ट एक तरह हम वर्चुअल रियलिटी पेश करते हैं, उसमें यस उसमें सर, स्क्रिप्ट होती है, वो सब वो चीजें होती हैं जो आपने बताई हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेवल कम होता है जो मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल हो सकती है, जी जैसे जी चैट।
सर, ये मैं अभी स्क्रिप्ट आपको दिखाई, ये है वर्चुअल रियलिटी वीआर कंटेंट डेवलपमेंट के लिए है, तो एक सैंपल में दिखाई हूँ। आगे अगर आलोक कभी और एक सेशन कभी करेंगे तो मैं आपको वो एआर का जो स्क्रिप्टिंग और स्टोरी बोर्डिंग है उसका सैंपल भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर सकती हूँ सर। नहीं मैम, इस मेरा क्वेश्चन ये है कि एआई की हेल्प से हम वर्चुअल रियलिटी क्रिएट तो कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं सर है लेकिन। नहीं, सर अभी तो जहां तक मेरी जानकारी है तो एआई के थ्रू वर्चुअल रियलिटी इन्वायरमेंट ग्राफिक्स तो बन जाएंगे, पर उसको जो इंटरैक्टिविटी पॉइंट्स जो होती है ना, वो इंटरैक्शन जो है वो एआई से मुझे लगता है मुश्किल है। मैम पॉसिबल इसके लिए तो कुछ होगा, लेकिन फिलहाल जैसे मैं अगर बच्चों को चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं ये चीज के साथ इंटरेक्ट करें और ये चीजों को देखें, तो मैम, वो मैं जैसे डिफाइन करूंगा। जैसे एनिमेशन होगी, GIF होगी, ये वर्चुअल रियलिटी में आती हैं। सर आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा आप मैम रिपीट करें। जैसे एनिमेशंस है, एक एनिमेशंस होती हैं, एक GIFs होती हैं मैम, जो मूविंग हाँ होती हैं जिसमें वो जो चीज़ दिखाई जाती है वो मैम वर्चुअल रियलिटी पेश करती हैं। सर, वर्चुअल रियलिटी जो गेम इंजन की जो इन्वायरमेंट होती है ना, उसको जो सपोर्टिव या कंपैटिबिलिटी जो फॉर्मेट है वो थोड़ी सी अलग है सर। मैम नमस्कार, नमस्ते। नमस्ते। हमने NCERT दिल्ली में VR वीडियोस देखे थे, तो क्या उसके छोटे छोटे वीडियोस बना के हम अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते? इसके वीडियोस नहीं मिलेंगे मैम जो हेडसेट से देखते हैं? और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा था कि हम लोग जाइलम के अंदर हैं, वो आप जो बता रहे थे ना वाटर फ्लो हो रहा है, तो इतना अच्छा लग रहा था उसको देख के, और बच्चा सच में इसमें सीखेगा। तो अगर इसका छोटा छोटा वीडियो भी हमको मिल जाता तो जो गांव के स्कूल हैं कम से कम हम लोग स्मार्ट क्लास के थ्रू उसको दिखा पाते तो भी बच्चे में कुछ तो समझ बन जाएगा मैम। जी मैम, आपका ये मैसेज हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर है, मैं जरूर उनको कन्वे करूंगी, और आगे हम आपके जो स्कूल कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे आपको ये चीज देने के लिए। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। सर पूछिए सर क्वेश्चन। मैडम नमस्कार, मैं राजस्थान से अनिल बोल रहा हूँ। हाँ सर नमस्कार। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से VR के वीडियो देखने के लिए वो बॉक्स होता है आंखों पे लगाने के लिए, तो हेडसेट डी लैब होता के है, लिए भी हाँ कोई किसी प्रकार की आवश्यकता होगी क्या देखने के लिए? और अगर आवश्यकता होगी तो क्या क्लास के सभी बच्चों के लिए आवश्यकता होगी या LCD TV पर दिखाया जा सकता होगा? प्लीज बताएं। सर। जो वर्चुअल एनवायरनमेंट को अगर महसूस करना है या उस वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में जाना है तो उस रियलिटी को महसूस करने के लिए वो हेडसेट के थ्रू ही आप कर सकते हैं। और जो जी नेकेड मैम, आई थैंक यू। से, हाँ वो हेडसेट चाहिए सर, उसमें जो 3D ग्लासेस लगे होते हैं, तो जो ग्राफिक्स जो होते हैं उसमें, वो 3D ग्राफिक्स भी होते हैं, सिमुलेशन भी होते हैं, वो ग्लास के थ्रू ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं सर। जैसा मैंने कहा था कि हर टेक्नोलॉजी की अपनी जो एडवांटेजेस है अपनी लिमिटेशन है, तो एडवांटेजेस यही है कि हम जो वर्चुअल एनवायरनमेंट को वो ग्लास के थ्रू ही, वो हेडसेट के थ्रू ही देख सकते हैं, और लिमिटेशन है कि वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है और अफोर्डेबिलिटी इश्यू है सर, अवेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, तो ये लिमिटेशन तो है। और अगला क्वेश्चन आप लोग अपना क्वेश्चंस आप लोग भेजिए, हम लोग उसको आपका आंसर करेंगे, और एक सेशन शायद डाउट और क्वेरीज क्वेश्चन सेशन होंगे, तो उसमें बाकी सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। ओवर टू आलोक।